जब आप अपनी विजन के बारे में क्लियर हो, उसको हिंदी या इंग्लिश या अपनी नेटिव लैंग्वेज में स्पष्टता से बोलना, उसको जानो, समझो और सीखो, दिल से बात करो। जब आपके पास कोई विजन है, उसके साथ जुनून होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो विजन नहीं है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट गाइडलाइंस को पढ़ो। हर करियर के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस को पढ़ो, एज लिमिट को पढ़ो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ो, डूज एंड डोंट्स को पढ़ो। और हर प्रोफेशन एक फिजिकल, मानसिक, मेंटल, इमोशनल एस्पेक्ट मांगता है। अपने आप से सच बोलो, मेरे पास ये है कि नहीं, और फिर डिसाइड करो कि मैं ये हॉबी के तौर पे करूंगा कि ये मैं अपने करियर के तौर पे करूंगा। दोनों चीजों में फर्क है। तीसरी चीज, हर प्लान को, विजन को थोड़ा सा एज ग्रुप में बांटो। नॉन एंडिंग प्लान्स मत बनाओ, नॉन एंडिंग। थोड़ा सा अपने बिग टाइम गोल्स, लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिडिल गोल्स, पहले के गोल्स, बाद के गोल्स, पहले के गोल्स के लिए क्या स्किल्स चाहिए उसको सीखो, बाद के गोल्स के लिए उसको बाद में सीखो, ये प्लानिंग करो। और जो भी दिल में है उसको स्पष्टता से बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ, हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आती, दिल से बात करो।